वेलकम टू माई एक्सेल ट्यूटोरियल। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं हाउ टू यूज़ पाई चार्ट्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली पाई चार्ट्स के बारे में ही बात करेंगे। बाय द एंड ऑफ द वीडियो आप जान जाओगे व्हाई पाई चार्ट्स, व्हाई नॉट यूजिंग पाई चार्ट्स एंड एलिमेंट्स ऑफ पाई चार्ट्स। तो इन तीन टॉपिक्स के ऊपर हम इस वीडियो के अंदर फोकस करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट मैं आपको बता देती हूँ आपको चार्ट्स मिलते हैं कहाँ पे। जैसे आप इंसर्ट में जाते हो, इंसर्ट में यहाँ पे आपको चार्ट्स के ऑप्शन मिलते हैं। हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं पाई चार्ट्स के बारे में। पाई चार्ट में आपको दो टाइप्स मिलते हैं, एक है 2D पाई और एक है 3D पाई। 2D पाई चार्ट जो रहते हैं आपके वो सिंपल आपको सामने से जो फ्रंट व्यू है उसमें दिखाई देते हैं, एंड 3D पाई चार्ट जो रहते हैं उसके अंदर सिर्फ जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो 3D वे में आपको दिखाई देती है। सिर्फ उतना ही डिफरेंस है, इसके अलावा कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उसके अंदर। तो यहाँ पे मैं आपको स्क्रैच से बताती हूँ कि आपको कैसे क्रिएट करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ले लेती हूँ जैसे टी एंड कॉफ़ी। अब सपोज़ मेरा क्वेश्चन है व्हाट डू यू प्रेफर द मोस्ट, टी और कॉफ़ी। तो जैसे सपोज़ टी है जो 60% लोग प्रेफर करते हैं एंड कॉफ़ी है जो 40% लोग प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल इसमें सिनेरियो ले लिया है। अब मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करूँगी इस तरीके से। सिलेक्शन में आपका डेटा और नंबर दोनों होने चाहिए। पाई पे जाऊँगी, कौन सा चार्ट आपको चाहिए क्लिक करना है, एंड आप देखोगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका चार्ट है जो वो आ चुका है। इस तरीके से आप पाई चार्ट इंसर्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे सिंपल डेटा लिया है। अब आप नोटिस करोगे आपके चार्ट के अंदर यहाँ पे ये जो ब्लू वाला सेक्शन है ये इंडिकेट करता है टी को, एंड वो जो आपका रेड वाला सेक्शन है मरून सा ये आपका इंडिकेट करता है कॉफ़ी सेक्शन को। अब इसमें अगर सपोज़ मैं कोई चेंजेस करूँगी, जैसे 60 की जगह यहाँ पर मैं 50 कर देती हूँ एंड यहाँ मैं 50 कर देती हूँ, तो आप नोटिस करोगे ये 100 में इसने इसको पूरा 50-50 डिवाइड कर लिया है। तो इस तरीके से आप जितने भी इसके अंदर पर्टिकुलर्स डालोगे या जितने भी आप इसके अंदर चेंजेस करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे आपके चार्ट के अंदर शो होंगे। तो इस तरीके से हम अपना जो पाई चार्ट है वो बना सकते हैं। इसको अगर आपको मूव करना है तो आप सिंपली अपने शीट में जहाँ चाहिए वहाँ पे आप इसको इस तरीके से मूव कर सकते हैं। एंड अगर सपोज़ इस चार्ट को आपको एक न्यू शीट पे मूव करना है, जैसे आप चाहते हो ये चार्ट एक न्यू पेज पे ओपन हो, न्यू शीट पे ओपन हो, तो यहाँ पे आपको मूव चार्ट का ऑप्शन मिलता है लोकेशन में। मूव चार्ट पे जाने पे आपको मिल रहा है ऑब्जेक्ट इन पाई चार्ट, यानी हमने सेम एग्जिस्टिंग शीट पे उसको डाला है। अगर आप न्यू शीट पे जाओगे एंड यहाँ पे आप उसको सपोज़ चेंज कर देते हो, जैसे यहाँ पे मैं ले लेती हूँ पाई चार्ट एग्जांपल, ये मैंने यहाँ पे उसका नाम चेंज किया है एंड इसको ओके किया, तो इससे आप देखोगे आपका जो चार्ट है वो पूरा चार्ट एक पर्टिकुलर शीट में ओपन हो जाएगा जिसके अंदर आपको सिर्फ आपका जो चार्ट है वो शो होगा। तो आपका जो डेटा है वो हमने ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है एंड आपका जो चार्ट है वो दूसरे शीट में मूव हो गया। अब इसके मैं आपको कुछ एक्सप्लेनेशन देती हूँ इसके चार्ट के टूल्स के। जैसे सबसे फर्स्ट आता है डिज़ाइन। डिज़ाइन के अंदर सबसे फर्स्ट हमें मिलता है चेंज चार्ट टाइप, यानी जो आपका डेटा है वो चेंज नहीं होगा, जो आपका चार्ट है वो चेंज हो जाएगा। अब पाई से लेकर अगर सपोज आप इसको किसी दूसरे चार्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्लिक करके उसको ओके कर दोगे तो आपका जो वो पर्टिकुलर डेटा है उस वाले चार्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब फिलहाल मैं इसको कंट्रोल जेड कर देती हूँ। सेव एज टेम्पलेट, अगर आप सपोज इस चार्ट को सेव करना चाहते हो एज अ स्पेसिफिक टेम्पलेट तो हर बार आपका यही सेम चार्ट जो है वो आप यूज़ कर पाओगे, तो यहाँ पे आप उसको सेव कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है स्विच रो एंड कॉलम डेटा। अब जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो ये चार्ट के अंदर यहाँ पर ये जो है आपके रोज हैं एंड ये आपके कॉलम्स हैं, अगर आप इसको स्विच करना चाहते हो तो स्विच करने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है आपके डिज़ाइन के अंदर स्विच रो एंड कॉलम डेटा। तो इससे आप नोटिस करोगे आपका जो चार्ट है वो पूरा चेंज हो गया, क्योंकि उसने रो एंड कॉलम को स्प्लिट कर दिया तो उसके पास में डेटा नहीं है शो करने के लिए। इसलिए हम कभी भी ये वाला जो ऑप्शन है तभी यूज़ करते हैं जब दोनों साइड पे न्यूमेरिक वैल्यूज़ हो, तभी आप ये वाला जो ऑप्शन है इसको यूज़ कर सकते हो। सिलेक्ट डेटा, नॉर्मली जो आपका डेटा है उसको सिलेक्ट करने के लिए। अगर सपोज़ आप इसमें कुछ एडिशंस करना चाहते हो, जैसे सपोज़ मैं ये वाला जो डेटा है यहाँ पे मुझे शीट में दिखा रहा है, अगर इसके जगह पे मुझे कोई बड़ी रेंज सिलेक्ट करनी है या कोई दूसरी रेंज सिलेक्ट करनी है, इसमें कुछ एडिशंस करने हैं, तो उस टाइम पर डेटा ऑल्ट्रेशन के लिए आप ये वाला जो ऑप्शन है इसको यूज़ कर सकते हो। ओके क्लिक करने पर आपका जो डेटा है वो वहाँ पर अपडेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने टी और कॉफ़ी डाला है, सपोज़ मैं नीचे जूस ऐड करके उसमें ऐड कर दूँ तो वहाँ पर मुझे वो जूस का भी जितना है उसके अंदर वो शो कर देगा। तो उस लिए आप ये सिलेक्ट डेटा वाला जो ऑप्शन है वो यूज़ करते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है चार्ट लेआउट्स। इसी चार्ट को आप डिफरेंट लेआउट्स में शो कर सकते हो। जैसे ये फर्स्ट लेआउट में ले लेती हूँ। फर्स्ट लेआउट में आप नोटिस करो यहाँ पे आपको परसेंटेज दिखाई दे रहा है एंड यहाँ पे आपको जो नाम है वो दिखाई दे रहे हैं। अगर सपोज़ मैं ये वाला ले लेती हूँ तो इसके अंदर यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं इसके लेबल्स, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये टी दिखा रहा है, कॉफ़ी दिखा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे डिफरेंट आपको टाइप्स मिलते हैं, आप चार्ट का लेआउट जो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। चार्ट के स्टाइल्स आपको यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं, यहाँ से जो भी आपको स्टाइल पसंद है आप उस पर क्लिक करो तो वो आपके चार्ट के ऊपर इफेक्ट हो जाएगी। अब ये स्टाइल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कोई पर्टिकुलर चार्ट प्रेजेंट करना चाहते हो किसी को तो उस टाइम पे आपकी जो ये स्टाइल है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जैसे कोई प्रेजेंटेशन
ऑपरेशंस वगैरह हो गई तो उस टाइम पे आप इनको यूज़ इस तरीके से कर सकते हो। अगर सपोज आपको नॉर्मल चाहिए तो आप यहाँ पे फर्स्ट वाला ले लो, तो आपको जो फर्स्ट ब्लैक एंड वाइट ग्रे स्केल के अंदर जैसा चलता है एकदम स्टैंडर्ड वाला, वो भी आप दे सकते हो। अगर आपको कोई दूसरे फॉर्मेट में चाहिए तो वो ऑप्शन भी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको मिलता है लेआउट। लेआउट में ये जो लेबल्स ऑप्शन है ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है फॉर एनी काइंड ऑफ चार्ट्स। तो हम यहाँ पे स्पेसिफिकली पाई चार्ट्स की बात कर रहे हैं तो मैं आपको सिर्फ पाई चार्ट्स का बताना चाहूँगी। जैसे सबसे फर्स्ट है चार्ट का टाइटल, आप देख रहे हो यहाँ पे टाइटल आ रहा है, कुछ भी नहीं है टाइटल। तो यहाँ पे आप देखोगे नन अगर आप करते हो तो वो निकल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे देती हूँ सेंटर्ड तो मुझे सेंटर में दिखाएगा। अगर मैं लेती हूँ अबव चार्ट तो वो मुझे चार्ट में अबव दिखाएगा। इसी के अंदर ऑप्शन आते हैं मोर टाइटल ऑप्शंस। जैसे आप मोर में जाते हो आपको दिखते हैं और इसमें फिल के ऑप्शंस आते हैं, आप नोटिस कर रहे हो यहाँ पे, जैसे कि नो फिल, कुछ भी फिल नहीं है, सॉलिड फिल, सॉलिड फिल में आपको कलर कौन सा चाहिए आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। आप नोटिस करोगे प्रीव्यू में यहाँ पे आपको ऑलरेडी उसके चेंजेस दिखाई देंगे, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया ये कलर या मैंने ले लिया ये पर्टिकुलर कलर तो मुझे दिखाई देगा। ग्रेडियंट फिल करना है, पिक्चर देना है, जो भी आप इसमें फिल करना चाहो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर शो होंगे। अगर सपोज़ इसके अंदर आपको कुछ बॉर्डर का कलर देना है, स्टाइल देनी है, शेडो देना है, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आप जैसे जैसे उसको यूज़ करोगे आपको अपने चार्ट के अंदर जो डिटेल्स हैं उस तरीके से दिखाई देगी। तो ये सब उसके फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस हैं, क्लोज़ करने पे वो इफेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। अब आप कहोगे कि ये टाइटल जो है मुझे चेंज करना है, तो येस आप चार्ट टाइटल चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो, जैसे सपोज़ मैं यहाँ पे डाल देती हूँ व्हाट डू यू प्रेफर, ठीक है, टी और कॉफ़ी में से। आप ये जो चार्ट टाइटल है यहाँ पे भी देखो आपको ऑप्शन मिलता है चार्ट टाइटल का, तो ये भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि आप चार्ट टाइटल यहाँ पे भी ले सकते हो, और एल्स आप इसको यहाँ पे डायरेक्टली जो टाइप का ऑप्शन है वो यहाँ पे आप उसको टाइप करके चेंज कर सकते हो। अभी नेक्स्ट यहाँ पे आपको ये दिखाएगा, सपोज मैंने अपने चार्ट के ऊपर क्लिक किया तो आप नोटिस करो कि यहाँ पे इसका सीरीज चेंज हो गया, ये सीरीज वन पे आ गया। अगर सपोज मैं इसको यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो ये लेजेंड पे आ गया। तो जो भी आप सिलेक्ट करते जाओगे वो यहाँ पे आप सिलेक्शन ऑप्शन जो है वो देख सकते हो। अब हमने इसमें चार्ट टाइटल का ऑप्शन देख लिया है, एक्सेस टाइटल्स इसमें एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि इसके अंदर कहीं पे एक्सेस नहीं है, वो जो दूसरे चार्ट्स होते हैं जैसे बार डायग्राम उसमें वो यूज़ होता है। नेक्स्ट है लेजेंड। लेजेंड जैसे कि आप देख रहे हो ये डिस्क्रिप्शंस, जो दो चीज़ें या जो जितने भी आप कॉलम्स या जितने भी रोज आप अपने चार्ट में डिस्प्ले करना चाहते हो वो आपको यहाँ पे एज ए लेजेंड दिखाई देंगे। तो लेजेंड भी आप चूज़ कर सकते हो कहाँ पे शो करना है, जैसे जैसे मैं मूव करूँगी उस तरीके से वो मुझे उस डायरेक्शन के अंदर शो करेगा। अगर सपोज़ मैं इसमें लेती हूँ मोर लेजेंड ऑप्शंस, तो मोर लेजेंड में आप सिंपली उसी तरीके से उसमें कलर देना चाहते हो या उसमें कोई सॉलिड फिल देना चाहते हो तो वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको उस तरीके से मिल जाएंगे। क्लोज़ करोगे तो वहाँ से वो क्लोज़ हो जाएगा। डेटा लेबल्स, जैसे आप डेटा लेबल्स में जाते हो जो आपने इसके अंदर लिखा होता है, जैसे ये आपका चार्ट है इसके अंदर आप देख रहे हो ये 75% है और ये 25%, इसको हम कहते हैं डेटा लेबल्स। तो डेटा लेबल्स जो है वो भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो, आपको बाहर की तरफ दिखाना है बेस्ट फिट वो अपने हिसाब से एडजस्ट करेगा। अगर आप सेंटर में रखोगे तो वो सेंटर में दिखाएगा। तो ये आपके जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे लेबल्स के, ये सारे आपके चार्ट को और अट्रैक्टिव एंड इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए यूज़ होते हैं। तो आई होप कि आपको ये तीन ऑप्शंस इसमें क्लियर हो गए होंगे, जो है चार्ट टाइटल, लेजेंड एंड डेटा टेबल्स जो हमने इसमें देखे हैं। ये सारे ऑप्शन इसमें एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि ये सारे आपके दूसरे चार्ट के ऑप्शंस हैं, जैसे आपके बार डायग्राम्स एंड आपके जो प्लॉट के डायग्राम्स होते हैं उसके लिए। लास्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया है फॉर्मेट। फॉर्मेट हम यूज़ करते हैं फॉर द फॉर्मेटिंग ऑफ आवर चार्ट्स, जैसे आप उसमें कलर वगैरह अगर सेपरेटली फिल करना चाहो तो यहाँ पे आपको वो सेपरेट कलर फिलिंग के ऑप्शंस इस तरीके से मिलते हैं आपके चार्ट के लिए, तो आप इस तरीके से उसको सेपरेट कलर्स के अंदर फिल कर सकते हो। नॉर्मली हम ये ऑप्शन इसमें ज़्यादा यूज़ नहीं करते क्योंकि हम लोग यहीं पर डिज़ाइन के अंदर ही उसके लेआउट्स ले लेते हैं, तो इसीलिए हम लोग फॉर्मेट ऑप्शन ज़्यादा यूज़ नहीं करते। फिर भी ये वाला ऑप्शन जो है ऑलरेडी मैं यहाँ पे लिंक दे रही हूँ, इस लिंक को फॉलो करके आप ये वाला ऑप्शन जो है वो डिटेल के अंदर देख सकते हो, जो मैंने ऑलरेडी ये वाले वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया है, तो वो वहाँ से आपको ईजी हो जाएगा। अब हमने देख लिया सारे एलिमेंट्स ऑफ पाई चार्ट, हमने देख लिया कि पाई चार्ट लोग क्यों यूज़ करते हैं। व्हाई? बिकॉज पाई चार्ट जो होता है उसके अंदर कोई दो से तीन इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत इजीली आप इसके अंदर शो कर सकते हो। लेकिन बहुत से लोगों की ये भी क्वेरीज होती है कि व्हाई नॉट पाई चार्ट। तो पाई चार्ट हम यूज़ नहीं क्यों करते हैं जब हमारे पास में कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन या बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो, जैसे कि आप कह सकते हो अगर सपोज आपको 10 या 20 का डेटा शो करना है तो उसके लिए आप ये वाला जो पाई चार्ट है इसको यूज़ नहीं कर पाओगे। लेकिन सपोज अगर आपको कोई सिंपल डेटा दिखाना है जिसमें दो या तीन ऑप्शंस है तो उसके लिए पाई चार्ट आपका जो है वो आइडियल है। एंड अगर कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन है जिसमें आप ज़्यादा ऑप्शंस यूज़ नहीं कर पाओगे, जैसे आपने नोटिस किया ये वाले ऑप्शंस आप यूज़ नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए आप पाई चार्ट जो है वो यूज़ नहीं कर पाते हो।